सो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों बाद एक न्यू वीडियो ला चुके हैं लाइटरूम फोटो एडिटिंग में। एंड आप लोगों को फोटो, हम बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे एंड आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया कि भाई कि इस वीडियो का ट्यूटोरियल है। तो ट्यूटोरियल आ चुका है एंड आप लोग वीडियो को फुल वॉच करें एंड वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली है एंड बिफोर एंड आफ्टर जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या करना, आप लोगों को वीडियो को फुल वॉच करना है एंड चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वाले हैं। चलते हैं स्क्रीन पे। सो गाइस, तो फोटो लेकर आ चुके हैं हम अपने लाइटरूम ऐप में एंड उसके बाद आप लोग को स्टार्ट कैसे करना 4 स्टेप में बताएंगे एंड आप लोग को करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आप लोग को लाइट वाले में चले जाना है, लाइट को एडजस्ट कर देना है एंड ब्लैक को हल्का सा कम कर देना है एंड वाइट को भी हल्का सा कम कर देना है एंड शेडो को हल्का सा इंक्रीज कर देना है एंड हाईलाइट को कम कर देना है एंड कंटेंट्स को हल्का सा कम कर देना है -10 एंड इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है एंड आफ्टर 50 एंड ब्लैक को भी थोड़ा सा और कम कर देना है। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट चले जाना है कलर वाले आइकन पर जाके आप लोग को पेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, सैचुरेशन को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है एंड कलर मिक्स टूल पे चले जाना है एंड सेकेंड वाले को हल्का सा कम कर देना है एंड लिपनेस को इतना इंक्रीज कर देना है एंड उसके बाद आप लोग को इसको कर देना है इधर पूरा हुई को कर देना माइनस एंड सैचुरेशन को भी माइनस कर देना है एंड फिर हरे वाले आइकन पर जाके आप लोग को इसको आप लोग को हल्का सा इतना करके आप लोग को जस्ट इसको हुई को -100 करके आप लोग को इसको हल्का सा इंक्रीज कर देना है एंड जस्ट उसके बाद आप लोग को डन कर देना है। डन करने के बाद आप लोग को डायरेक्ट चले जाना है अपने ये वाले आइकन पे एंड टेक्सचर को इंक्रीज करके क्लियरिटी को भी इंक्रीज कर देना है एंड डिटेंस को भी हल्का सा कम कर देना है, इंक्रीज कर देना 30 एंड इसको -50 एंड हाईलाइट को एंड जेनर को हल्का सा इंक्रीज कर देना है एंड उसके बाद गाइज आप लोग को बिल्कुल वीडियो को बहुत ही ध्यान से वॉच करना है एंड इसके बाद आप लोग को इस वाले आइकन पर चले जाना है, शार्पनिंग को इंक्रीज कर देना है, रिडक्शन को, डिटेल्स को एंड मार्क्सिंग को एंड नोड रिडक्शन को एंड आप लोग को इसको देखिए आप लोग डबल टैप करेंगे ना तो आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या होता है इससे एंड नो कलर नोड रिडक्शन को भी एंड डिटेल्स को भी पूरा इंक्रीज कर देना है, स्मूथ को भी एंड अभी देख सकते हैं आप लोगों के फ़ोटो में जो है हल्का सा भी क्लियरिटी कम नहीं हुई है एंड बिफोर एंड आफ्टर आप लोग को दिखा सकते हैं कि कितना ही औसम तरीके से आप लोग का कलर ग्रेडिंग हो चुका है। फर्स्ट स्टेप में आप लोग का कलर ग्रेडिंग हो चुका है एंड कितना ही आसान तरीके से देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। अब जहाँ तक भी जहाँ आपको स्टेप नहीं समझ आएगा स्टेप आप लोग बारीकी से फिर से वॉच कर लीजिएगा एंड उसके बाद आप लोग को क्या करना है ना, एक मिनट रुक जाइए, उसके बाद आप लोग को करना कुछ नहीं है जस्ट आप लोग को चले जाना है यहाँ पर आप लोग को ये वाले गोले वाले आइकन पे यहाँ प्लस इंक्रीज कर क्लिक करके रेडियस ग्रीन को क्लिक कर देना है एंड जस्ट आप लोग को ऐसे एक सर्कल बना देना है एंड सर्कल को जस्ट आप लोग को ऐसे साइड में नचा देना है एंड सर्कल को ऐसे सीधा कर देना है एंड आप लोग को करना है छोटा एंड आप लोग को जस्ट देखिए इस कोने साइड में जहाँ से भी आप लोग को लाइट लाना है वहाँ से आप लोग को ऐसे कर देना है एंड देख सकते हैं अभी आपको दिखाते हैं एंड लाइट वाले आइकन पे चले जाना है, जस्ट आप लोग को जितना लाइट चाहिए उतना आप लोग को इंक्रीज कर देना है और हाईलाइट को भी हल्का सा इंक्रीज कर देना है, शेडो को भी इंक्रीज कर देना है, वाइट को भी एंड ब्लैक को हल्का सा बस। उसके बाद आप लोग को कलर वाले आइकन पे चले जाना है एंड टेम्परेचर को हल्का सा इंक्रीज कर देना है एंड आप लोग इसको टिंट्स को कम कर देना है, सैचुरेशन को हल्का सा कम कर देना है एंड उसके बाद यहाँ से आप लोग को डन कर देना है एंड यहाँ तक तो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। उसके बाद आप लोग को डायरेक्ट इसको शेयर कर देना अपने ऑटोडेस्क ऐप में एंड ऑटोडेस्क ऐप में आप लोग को हम बहुत ही सिंपल ट्रिक बताएंगे एंड जिससे आप लोग ना एक ही क्लिक में आप लोग को स्मूथ कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं ऑटोडेस्क एंड जो सा हम ब्रश सब कुछ जो सा यूज कर रहे हैं आप लोग को तो सा हम दे देंगे एंड सब कुछ देखिए इसमें ना कोई PNG यूज हुआ है ना कोई प्रीसेट यूज हुआ है तो आप लोग सारा कुछ आप लोग अपने हाथों से करना है एंड वीडियो को फुल वॉच करना है एंड जूम कर लेना है एंड पेंसिल आप लोग को ब्रश कौन सा यूज़ करना है ये वाला आप लोग देख सकते हैं ये वाला ब्रश यूज़ करना है एंड अभी यहाँ से आप लोग को इसका सेटिंग कर देना है 3 ज़्यादा नहीं 3 कर देना है एंड इसको आप लोग को आफ्टर 26 कर देना है। उसके बाद आप लोग को जस्ट यहाँ पर क्लिक करके साइज़ को अपने कम करके अपने हिसाब से हल्के हल्के हाथों से आप लोग को कर देना है
एंड देख सकते हैं कितना ही औसम तरीके से स्मूथ हो रहा है। तो आप लोगों का भी ऑटोडेस्क ऐप अपडेट हो चुका होगा एंड कुछ इसी प्रकार का हो चुका होगा एंड आप लोगों को समझ नहीं आता होगा, तो इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जस्ट आप लोगों को जो फोटो एडिटिंग इसके पहले किए हैं उसको आप लोगों को उस लेयर को आप लोगों को डिलीट करना पड़ेगा एंड यही इसमें आप लोगों को करना है और कुछ नहीं करना है। एंड आप लोगों का जो भी डार्क सर्कल रिंकल जो भी आ रहा है उसी की वजह से आ रहा है, तो आप लोगों को उसको करना है सही। तो इसमें एक चीज़ और बता देना, देखिए ये सेकेंड स्टेप है जिसमें आप लोगों को करना कुछ नहीं है, जस्ट आप लोगों को यहाँ से अप्लाई करके आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को अपने स्किन को बस करना है स्मूथ। एंड अभी हम अपने हैंड पे ही स्मूथ कर रहे हैं एंड जिस प्रकार का हम कर रहे हैं ना बिल्कुल आप भी लोग उसी प्रकार करिए। बहुत ही सिंपल ट्रिक है एंड बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग का स्मूथ हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से आप लोग का स्मूथ हो रहा है एंड देखिए ये वीडियो आप लोगों के कमेंट की वजह से लाए हैं, तो वीडियो इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा एंड आप लोगों के एक ही कमेंट से हम वीडियो लाएंगे। बस आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा एंड बहुत ज़्यादा मेहनत लगा आप लोग देख सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा मेहनत लगा। उसके बाद आप लोग को इसको डायरेक्ट शेयर कर देना अपने पिक्सआर्ट ऐप में। तो पिक्सआर्ट ऐप में आप लोग को कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल ट्रिक है एंड कुछ भी नहीं करना। यहाँ से आप लोग को ये जो बड़ा पार्ट है इसको निकाल देना। ये हमारे ऑटोडेस्क ऐप में बन रहा है, आजकल अपडेट में आया है, यहाँ से आप लोग को कर देना है। एंड यहाँ तक तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा, तो यहाँ से आप लोग को कुछ नहीं करना है, करना कुछ नहीं। यहाँ से आप लोग को डिटेक्शन पे चले जाना है एंड ये जो हेयर वाला कलर इस पे चले जाना है एंड यहाँ से आप लोग को इसको करना है और रेड वाले पे क्लिक करके आप लोग को दिखाते हैं। आप लोग को रेड वाले पे क्लिक करके जस्ट अपने वोट पे अप्लाई कर देना है एंड जैसे मैं कर रहा हूँ, उसके बाद जितना भी आप लोग को चाहिए उतना आप लोग को डन कर देना है। एंड सॉरी गाइस हेयर पे भी चला गया है एंड आप लोग को रेड पे अप्लाई करना भी दिखाते हैं, उसके बाद जस्ट अपने वोट पे अप्लाई कर देना है, उसके बाद डन कर देना। यहाँ तक तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा और क्लियरिटी ना लॉस हो उसके लिए ड्रॉ वाले आइकन पे क्लिक करके जस्ट आप लोगों को डाउनलोड कर लेना। ये हो गया थर्ड स्टेप एंड लास्ट एंड फाइनल स्टेप आप लोगों को बताते हैं। लेकर चलना है आप लोगों को, डायरेक्ट लेकर चले जाना अपने LRF में एंड देखिए प्रीसेट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को जो है समझ आता है प्रीसेट का यूज़ करते हैं, तो जस्ट आप लोगों को करना कुछ नहीं है। यहाँ से आप लोगों को चले जाना है, यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं एक मिनट, देखिए यहाँ से आप लोगों को कलर ग्रेडिंग में चले जाना है। ये नहीं है फ़ोटो, ये हमारा फ़ोटो आ चुका है एंड आप लोगों को कलर ग्रेडिंग में चले जाना है एंड जस्ट आप लोगों को कुछ नहीं करना है, अपने फेस को थोड़ा सा और वाइट करना है एंड थोड़ा सा लाइट को और रहन देना है और उसके बाद इसको आप लोगों को पूरा कम कर देना है एंड इसको भी आप लोगों को पूरा कम कर देना है एंड उसके बाद पीले वाले में चले जाना है एंड सिचुएशन को अपने हिसाब से जितना आप लोगों को चाहिए उतना कम कर देना है एंड जस्ट इतना करना है एंड डन कर देना है। एंड डन करने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जस्ट आप लोगों को लाइट वाले एक्शन पे चले जाना है एंड ब्लैक को कम कर देना है एंड वाइट को भी कम कर देना है, शैडो को भी इंक्रीज कर देना है एंड एक्सप्रोस को भी कम कर देना है, आफ्टर इतना कम कर देना है। उसके बाद आप लोग को जस्ट अपने फेस की लाइट को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देना है और यहाँ तक तो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। उसके बाद करना कुछ नहीं, यहाँ से आप लोग को जस्ट सबको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चले जाना है, इसमें कुछ नहीं सीखना है आप लोगों को, बस जितना आप लोगों को अच्छा लगे मतलब देखना नहीं है, बस बढ़ाते चले जाना है। और उसके बाद यहाँ तक तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। उसके बाद आप लोगों को इस वाले आइकन पर चले जाना है, प्लस पर क्लिक करके जस्ट आप लोग को प्लस पे क्लिक करके यहाँ पर लाइन ग्रिड ने को इन क्लिक करके जस्ट आप लोग को ऐसे उल्टा करके एंड जितना देखिए इतना आप लोगों को कर देना नीचे वाले पार्ट में, जिससे आप लोग को PNG नहीं यूज करना पड़ेगा एंड इसको थोड़ा सा और सीधा कर देते हैं एंड उसके बाद आप लोग लाइट में चले जाना है एंड आप लोग को कंटेंट्स को हाईलाइट को भी कम कर देना एंड शेडो को भी कम कर देना, वाइट को भी कम कर देना, ब्लैक को भी कम कर देना एंड उसके बाद ब्लैक को हल्का सा इंक्रीज कर देते हैं एंड कम कर देना एंड थोड़ा सा और ऊपर कर देना। तो फाइनली हमारा फ़ोटो रेडी हो चुका है एंड वीडियो में आप लोग कोई भी सा भी कुछ भी अच्छा लगा हो, अगर कुछ भी सीखे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही, लव यू, बाय।